अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का बात करेंगे, जिस लैपटॉप का रिव्यू देंगे, जिस लैपटॉप को प्राइस के अबाउट बात करेंगे, हाउ टू चेक बैटरी हेल्थ, हाउ टू चेक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन प्रोफेशनली। तो इस समय हमारे पास जो मॉडल है वो है एच पी का जी बुक फायरफ्लाई 14G8। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कैंडल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। तो ये ज़रा हम इसको फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मॉडल नज़र आ जाएगा एच पी जी बुक, ये देख सकते हैं एच पी जी बुक फायरफ्लाई 14G8। SN हैश जो होता है इसका सीरियल नंबर होता है, ठीक है जी। साथ वारंटी वगैरह नीचे लिखी होती है, 3 ईयर वारंटी के अंदर ये वाले डब्बा पैक मॉडल्स आते हैं जी बुक के। स्पेस ग्रे कलर में ये लैपटॉप मिल जाता है, डबल टाइप सी है, HDMI नॉर्मल है और साथ ही हमें बुलेट पिन चार्जर मिल जाती है, साथ सेम का ऑप्शन भी और कार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। और इसको आप टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके लोगो की बात की जाए तो लोगो इसका हमारे पास जी का बंदा आ रहा है, जैसे जी बुक है उसका जी बना हुआ है। अदरवाइज जैसे एच पी का लोगो आता है, एच पी का लोगो उस साइड पे नहीं दिया गया, एच पी का लोगो स्क्रीन वाली साइड पे मिल जाता है हमें। तो वन हैंड यूज़, एक एक हाथ से आप इसको ईजिली खोल सकते हैं, दो हाथों से आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी बुक का लोगो हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है जी। कीबोर्ड में बैकलाइट के साथ मिल जाता है, प्लस फंक्शन कीज़ भी काफ़ी सारी दी गई हैं इसके अंदर, जैसे लाइक ब्लू ब्लू कलर में है ये सारे बटन में, ये फंक्शन कीज़ हैं, फंक्शन से यूज़ होती हैं। बायोमेट्रिक मिल जाता है, प्लस एक छोटा स्टिकर लगा हुआ है कि अगर ये इसमें एक लैन पोर्ट होती है जिस पे आप एक नेटवर्किंग वगैरह कर सकते होते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो बेजललेस डिस्प्ले मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाएंगे, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम परफॉर्मेंस में चले जाएंगे। ये यहाँ पर रखो, हाँ जी, परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। यहाँ पे सीपीयू मिल जाएगा हमारे पास, देखें 11th जनरेशन है, कोर i5 11th जनरेशन, 2.40 GHz बेस है इसकी, 2.40 GHz स्टॉक 1 कोर 4 लॉजिक प्रोसेसर 8 और 8 MB कैशे में मिलती है इसकी। मेमोरी की बात की जाए तो 16 GB रैम है इसमें, 3200 mAh मिलती है हमारे पास इसकी, 2 of 2 मतलब 8 GB की दो लगी हुई है। तो यहाँ से खोले बगैर चेक हो सकते हैं कि रैम एक लगी है कि दो। इसी तरह डिस्क आएंगे, इस पर लिखा हुआ SSD 256 GB SK की हमारे पास SSD मिल जाती है। और GPU में होता है जो इसका आयरस डिस्प्ले का XE ग्राफिक्स इसमें इंस्टॉल्ड है, जो हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन के अंदर आयरस डिस्प्ले आता है, ठीक है जी। ये चेक करने के बाद आप दूसरे तरीके से नॉर्मल वे होता है कि आप PC की प्रॉपर्टी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आप जो है देख लेते हैं जी क्या है इंटेल i5 11th जनरेशन। जनरेशन देखने के लिए होता है, जितने डिजिट्स होंगे ना, 5 डिजिट्स होने चाहिए, पहले 2 देखेंगे वो उसकी जनरेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे 16 GB रैम का पता लग जाता है, विंडोज़ 11 प्रो बता देता है। यहाँ पे विंडो एक्टिवेशन के लिए कीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ से एक्टिवेट है कि नहीं, विंडोज़ एक्टिवेटेड विद डिजिटल सेंस, ठीक है, एक्टिवेट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी बैटरी, जो कि हम चेक ऐसे नहीं कर सकते। तो चेक करने के लिए हम CMD लिखेंगे सर्च में, और यहाँ पर लिखेंगे पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। इसमें एक्यूरेट आपने ऐसे लिखना है ताकि आपके पास सही रिजल्ट इसका मिले आपको। तो आपने क्या करना है, जैसे इंटर करेंगे, इंटर के बाद आपको एक पाथ दे रहा है, या तो सी में जाएं, यूज़र में जाएं, यूज़र में जाके जी आपको बैटरी रिपोर्ट मिल जाएगी, नहीं तो यहीं से कॉपी करें, किसी भी ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दें। अगर ब्राउज़र नहीं है तो दिस PC खोलें, उसका जो सर्च बार ऊपर आ रहा होता है ये वाला, इस पर पेस्ट करें, इंटर कर दें, ठीक है जी। जहाँ से भी आपको बैटरी बता देगा, यहाँ पे देख सकते हैं एच पी जी बुक फायरफ्लाई 14 इंचीज AG8 मोबाइल वर्क स्टेशन PC, इसका कंप्लीट नेम ये है। और प्लेटफॉर्म रोल में बता रहा है मोबाइल सपोर्टेड है, मतलब सिम लग सकती है इसके अंदर। और बैटरी में देख सकते हैं, प्राइमरी बैटरी में देखें जैसे मैनुफेक्चर है HP की, इसी तरह से आपने इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी और फुल चार्ज कैपेसिटी देख लेनी है और साइकिल्स देख लेने हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा बैटरी की हेल्थ का। और ये पूरा ग्राफ देता है आपको, ठीक है। जैसे 53,000 mAh की बैटरी है और 47,000 रह गई थी, तो मीन्स कि उनमें से माइनस करके देखने के कितने परसेंट बैटरी ड्रेन हो चुकी है। अच्छा, दूसरा आपने देखना है कि बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं है, तो आपने दोबारा CMD में जाना है, वहाँ पर लिखना है WMAC BIOS GET SERIAL NUMBER। ये वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपको ये सीरियल नंबर दे देगा। अब हमने क्या करना है, देखना है LXB है तो हम नीचे देख लेते हैं जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ था, मैच करके देखते हैं बोर्ड के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। ज़रा और जूम इन कर लेते हैं, ये देख सकते हैं सीरियल नंबर SN हैश जो लिखा हुआ है आखिर में, देख सकते हैं LXB, ठीक है जी। स्टार्टिंग था 5CG और आखिर में था LXB, मीन्स का मैच कर रहा है बोर्ड, इसका हमें जेन्युइन मिल जाता है।
और इसके अलावा हमारे पास चेकिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक USB पोर्ट्स आपने चेक करनी है, वाईफाई चेक करना है, लाइक इंटीग्रेटेड कैमरा लगा होता है इसके अंदर, कैमरा देख लेना है, बैकलाइट कीबोर्ड लाइट है तो इसकी एफ सीरीज़ के अंदर आपको बैकलाइट की मिल जाती है, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। तो मतलब मोस्टली जितनी भी इनकी इसकी एक्सटर्नल चीज़ें लगी होती हैं, इंटरनल चीज़ें, ये आपने सारी लगा के चेक करनी है, लाइक कैमरा, USB, HDMI पोर्ट और टाइप सी पोर्ट होती है, चार्जर हो गया वो लगा के चेक कर लेना है। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं चेक करने के लिए, उस टाइम ना करो तो फिर बाद में बंदा कह रहा होता है मोए मोए, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें चेक करने के बाद अब हम इसकी प्राइस के बोर्ड बात कर लेते हैं। प्राइस में अगर इसकी बात की जाए तो ये 150 का इस टाइम मार्केट से मिलता है, 1,50,000 का ये पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस है आज की डेट के अंदर। तो आप अपनी करंट करेंसी जो है जिस भी कंट्री से हैं अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपको ये इतने में मिल जाना चाहिए। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। तो इससे ही मुझे ज़रा हौसला मिलता है, फिर मैं ज़रा और जोश व खरोश से वीडियो जो है बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। बाकी ऑनलाइन पे आपने नोटपैड पे जाके कीज़ वगैरह भी चेक कर लेते हैं, मतलब मैंने आपको बताया जो जो चीज़ें इसके अंदर लगी हैं वो आपने चेकिंग लाजमी करनी है, ठीक है। वहाँ पे खड़े होकर इन चीज़ों की चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। बाकी आपने गूगल पे जाके ऑनलाइन डेड पिक्सल के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके वो भी चेक करना है, ठीक है। डेड पिक्सल से ये स्क्रीन का बता देता है कि डॉट लाइन स्पॉट कोई चीज़ ऐसी वैसी है कि नहीं। अब लाइक जैसे कैमरा ऑन कर लेते हैं तो कैमरे में बेहतरीन अच्छा कैमरा है, फोकस वाला इसका कैमरा में मिल जाता है, ठीक हो गया जी। बाकी वाईफाई वगैरह देख लें, ब्लूटूथ वगैरह चेक कर लें, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करके भी चेक करें, कोई स्क्रीन में शेड वगैरह या इस तरह का कोई मसला मसाइल तो नहीं आ रहा। और स्पीकर का साउंड टेस्ट चेक कर लें, दो स्पीकर ऑन होते हैं, ठीक है। टेस्ट पे क्लिक करेंगे दो आवाज़ें आएंगी, मतलब दो स्पीकर उसमें फील करें कि आवाज़ फटी हुई या इस तरह की तो नहीं आ रही, कोई नॉइस वगैरह है उसमें कि नहीं है, ठीक है। वाईफाई भी कनेक्ट करके चला के भी देखें ज़रा, ठीक है। और इस तरह अक्सर ऐसे होता है वाईफाई की रेंज जो होती है ना, शॉप के अंदर ही राउटर पड़ा होता है फिर भी दो सिग्नल आ रहे होते हैं, मतलब उसकी वाईफाई की रेंज कम हुई होती है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, ये हर चीज़ आपको गूगल पे ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, ऑनलाइन CPU स्ट्रेस, ऑनलाइन GPU स्ट्रेस और आपने ऑनलाइन डेड पिक्सल टेस्ट, ये चीज़ें भी लाजमी चेक किया करें, ठीक हो गया। तो ये गूगल पे आप जाएँ, फर्स्ट वेबसाइट जो भी आती है पहली दो वेबसाइट पर जाकर इन चीज़ों को चेक किया जा सकता है ईजीली। तो ये था हमारे पास आज के HP का Firefly 14G7 मॉडल। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ थी, तो रिकमेंडेड है ये वाला मॉडल, एज अ प्रोग्रामर डिज़ाइनर्स इस मॉडल को बिल्कुल ले सकते हैं, वेट वाइज बहुत मज़े का है, ठीक है जी। तो मुझे इस टाइम इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।